इस कहानी की शुरुआत में हमें नदी के किनारे शाकाहारी डायनासोर के एक झुंड को दिखाया जाता है जो शांति से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इगुनोडोन प्रजाति की एक मदर डायनासोर अपने अंडों की सुरक्षा कर रही होती है, तभी एक बेबी डायनो उन अंडों के पास आता है, मगर मदर डायनासोर उसे वहाँ से भगा देती है क्योंकि खेलते हुए उन अंडों को चोट पहुँचा सकता था। वो बेबी डायनो खेलता हुआ इधर उधर जाने लगता है, तभी उसे एक उड़ने वाला गिरगिट नजर आता है और उसका पीछा करने लगता है, जिससे वह जंगल के उस गहरे इलाके में चला जाता है जहाँ कार्नोटोरस डायनासोर सोया हुआ था। अचानक वो जाग जाता है, जिससे वो बेबी डायनासोर वहाँ से भागने लगता है। उसके पीछे पीछे वो कार्नोटोरस डायनासोर भी नदी के पास उस इलाके में आ जाता है जहाँ सभी शाकाहारी डायनासोर रहा करते थे। वो उन सभी पर हमला करने लगता है, जिससे सभी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं क्योंकि कार्नोटोरस बहुत ही खूंखार मांसाहारी डायनासोर होते थे। मदर इगुनोडोन अपने अंडों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कार्नोटोरस उन्हें कुचल देता है, जिससे वह सभी शाकाहारी डायनासोर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। लेकिन एक ज्यादा तेज नहीं भाग पाता, इसलिए कार्नोटोरस उसे अपना शिकार बना लेता है। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि मदर इगुनोडोन का एक अंडा अभी भी सुरक्षित बच गया था, जिसे एक ओरिराप्टर खाने के लिए चुरा लेता है और दूर अपने इलाके में ले आता है। वो उस अंडे को खाने ही वाला था, तभी एक दूसरा ओरिराप्टर खाने के लिए उससे उस अंडे को छीन लेता है, जिससे उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और इसी लड़ाई में वो अंडा पानी में गिर जाता है। नदी में एक मगरमच्छ उस अंडे को खाने की कोशिश करता है, लेकिन अंडे का कवच मजबूत होने की वजह से वो उसे नहीं खा पाता और बाहर उगल देता है, जिसके बाद वो अंडा शाकाहारी डायनासोर के बीच से होता हुआ नदी में बहकर आगे निकल जाता है। मगर तभी एक उड़ने वाला डायनासोर उस अंडे को लेकर उड़ जाता है, जो टेरोसोरस प्रजाति का डायनासोर था। वो उस अंडे को उड़ाकर समुद्र के बीच में बसे एक आइलैंड पर ले आता है, जहां पर उस अंडे को अपने बच्चों को खिलाना चाहता था। लेकिन इस दौरान कुछ बर्ड्स उस पर हमला करके उससे अंडा छीनने की कोशिश करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अंडा डायनो बर्ड से छूटकर नीचे जंगल में एक पेड़ पर जा गिरता है, जहां पर बहुत से लेमन प्रजाति के बंदर रहा करते थे। सभी बंदर अचानक से पेड़ पर गिरे उस अंडे को देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं, और उन बंदरों के ग्रैंडफादर जिनका नाम यार था, वो सभी को उस अंडे से दूर रहने के लिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि वो अंडा है। लेकिन यार की बेटी पीलियो अपने डेड की बात नहीं सुनती और उस चीज के पास चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो एक अंडा है और उसके अंदर से एक बेबी डायनासोर बाहर निकल रहा था। पीलियो अपने डेड को वहाँ बुलाती है, लेकिन वो बहुत डरपोक थे, इसीलिए अपने बेटे जीनी को वहाँ जाने से रोकते हैं और हिम्मत करके अपनी बेटी पीलियो के पास आते हैं। पीलियो ने बताती है कि वो एक अंडा था जिसमें से प्यारा सा बेबी निकला, मगर यार उसे देखकर डर जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि समुद्र पार रहने वाला दरिंदा बेरहम राक्षस है जो मांस खाता है, मगर वो पिलियो को बहुत पसंद आता है। यार अपनी बेटी से कहते हैं कि अगर तुमने इसे पाला और जब ये बड़ा होगा तो ये हमें ही मार कर खा जाएगा, इसीलिए इसे फेंक कर मार दो। पिलियो ऐसा नहीं करना चाहती, इसीलिए अपने डैड से कहती है कि आप ही इसे मार दे। फादर यार उस बेबी डायनो को मारने के लिए पेड़ से नीचे फेंकने लगते हैं, मगर वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि जब उस बेबी डायनासोर की मासूमियत देखते हैं तो उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पाते और पिलियो को उसे अपने पास रखने के लिए दे देते हैं। पिलियो बेबी डायनासोर को पाकर बहुत खुश होती है और उस बेबी डायनासोर का नाम एलाडार रखती है और डिसाइड करती है कि एलाडार को एक शाकाहारी डायनासोर बनाएगी। अब सभी बंदर पिलियो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एलाडार को देखने लगते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी एक बेबी डायनासोर को नहीं देखा था। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एलाडार काफी बड़ा हो चुका था और बंदरों के बच्चों के साथ खेल रहा था, क्योंकि इस आइलैंड पर बंदर ही एलाडार के दोस्त और फैमिली मेंबर थे। अब पिलियो एलाडार के पास आती है और उसे आइलैंड पर साल में एक बार होने वाले रिचुअल में जाने के लिए कहती है। दरअसल हर साल आइलैंड पर एक रिचुअल होता है जिसमें बंदर अपने लिए एक पार्टनर चुनते हैं। अब पिलियो के कहने पर एलाडार जीनी के पास आता है, जो समुद्र के किनारे पर अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने की प्रैक्टिस कर रहा था। एलाडार जीनी और सभी बंदरों को लेकर उस विशालकाय पेड़ के पास आ जाता है, जहाँ पर रिचुअल होने वाला था। अब एक एक करके सभी को अपना पार्टनर मिल जाता है और सभी अपने पार्टनर के साथ पेड़ के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जीनी को उसका पार्टनर नहीं मिलता, जिससे वो काफी उदास होता है क्योंकि अब सिर्फ वही अकेला बचा हुआ था जिसकी कोई पार्टनर नहीं थी। जीनी को उदास देखकर एलाडार जीनी के पास जाता है और उसे समझाता है कि तुम दुखी मत हो, इस साल नहीं तो अगले साल तुम्हें भी तुम्हारी पार्टनर मिल जाएगी। लेकिन जीनी ऐसे
क्यों करता है, क्यों दुखी नहीं है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहाँ से चला जाता है। एलाडार के पास पिलियो आती है जो एलाडार से कहती है कि काश आइलैंड पर तुम्हारे जैसी भी कोई होती तो तुम्हें भी अपना पार्टनर मिल गया होता। पिलियो की बात सुनकर एलाडार पिलियो से कहता है कि मुझे आप सब मिले, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। अब एलाडार और पिलियो आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी ये देखते हैं कि आसमान से कुछ चमकीली चीजें नीचे गिरने लगती है, जिसे देखकर सभी पूरी तरह से हैरान होते हैं क्योंकि अचानक से आसमान में अंधेरा छा गया था। आसमान से गिरने वाली चमकीली चीजें कुछ और नहीं बल्कि एस्टेरॉयड होते हैं। और अगले पल एक बड़ा सा एस्टेरॉयड आइलैंड के पास समुद्र में गिरता है, जिससे निकले आग के गोले आइलैंड पर गिरना शुरू हो जाते हैं, जिससे सभी जानवर बुरी तरह से डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से बनी विस्फोटक शॉक वेव से वो आइलैंड पूरी तरह से खत्म होने लगता है, जिससे बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं। एलाडार किसी तरह अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए उन्हें लेकर भाग रहा था। अब एलाडार भागते भागते आइलैंड के किनारे पर आ जाता है और उसके पीछे आग की लपटें तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। एलाडार कोई रास्ता न देखकर अपनी फैमिली के साथ समुद्र में जंप लगा देता है। और जब वो समुद्र से बाहर निकलता है तो देखता है कि सारा आइलैंड बर्बाद हो चुका है और उसमें रहने वाले उनके सभी 200 जानवर मारे गए। एलाडार और उसकी फैमिली ये सब देखकर बहुत दुखी होती है क्योंकि उनका घर और उनके चाहने वाले उनसे छीन चुके थे। इसके बाद एलाडार अपनी फैमिली के साथ एक नए घर की तलाश में निकल पड़ता है। अब एक लंबे सफर के बाद एलाडार अपनी फैमिली के साथ एक पहाड़ी इलाके में पहुंचता है, जहां पर उसे एक वेलोसिराप्टर्स प्रजाति का डायनासोर दिखाई देता है। मगर उसे पता नहीं होता कि वो मांसाहारी डायनासोर है, इसलिए जब वो उसके पास बात करने के लिए जाता है तो वहां पर बहुत सारे वेलोसिराप्टर्स आ जाते हैं जो उन्हें खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर एलाडार अपनी फैमिली के साथ जान बचाकर वहां से भागने लगता है और इस दौरान वो वहां से गुजर रहे शाकाहारी डायनासोर के एक झुंड से टकरा जाता है जो माइग्रेट करके दूसरी जगह पर जा रहे थे। अब एलाडार भी उन वेलोसिराप्टर्स डायनासोर से बचने के लिए झुंड में शामिल हो जाता है। कुछ दूर आगे जाने पर झुंड का लीडर क्रोन सभी डायनासोर को आज के लिए वहीं पर रुकने का आदेश देता है। अब एलाडार जल्द ही ईमा और बेलेने नाम की दो ओल्ड लेडी डायनासोर से दोस्ती कर लेता है। और जब पिलियो ईमा से उस जगह के बारे में पूछती है जहाँ पर वो जा रहे होते हैं, तो ईमा पिलियो को बताती है कि वो एक खूबसूरत सी जगह है जहाँ पर खाने पीने की सभी चीजें मौजूद है और हमारे बच्चे उसी जगह पर जन्म लेते हैं। इसके बाद बेलेने एलाडार को बताती है कि अब हम दोनों बूढ़ी हो चुकी है और अब हमारे पास उतनी ताकत नहीं है कि इतना लंबा सफर तय करें, लेकिन फिर भी क्रोन तेजी से झुंड को आगे बढ़ा रहा है। बेलेने की बात सुनकर एलाडार बोलता है कि तुम क्रोन से झुंड को धीरे चलाने के लिए क्यों नहीं बोलती। कि तभी क्रोन अपने दोस्त ब्रूटोन और बहन नीरा के साथ वहां से गुजरता है और जब एलाडार क्रोन को देखता है तो उसे बोलता है कि तुम झुंड को थोड़ा धीरे आगे बढ़ाया करो क्योंकि झुंड में कुछ ओल्ड डायनासोर भी मौजूद है। जिस पर क्रोन एलाडार पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम सिर्फ खुद की चिंता करो और वहां से चला जाता है। क्रोन के जाने के बाद क्रोन की बहन नीरा एलाडार से कहती है कि तुम चिंता मत करो, भैया नए लोगों से ऐसे ही बातें करते हैं। एलाडार नीरा को पसंद करने लगता है। अगली सुबह जीनी एलाडार को नींद से उठाता है क्योंकि झुंड एक जगह पर जमा हो रही थी। और जब सभी डायनासोर एक जगह पर जमा हो जाते हैं तो क्रोन अपने साथी ब्रूटोन को झुंड में शामिल हुए नए डायनासोर को सफर का नियम बताने के लिए कहता है, जिसके बाद ब्रूटोन सबको बताता है कि इस बंजर इलाके में दूर तक पानी नहीं है और अगर किसी शिकारी डायनासोर ने पीछे छूटे हुए डायनासोर को पकड़ा तो कोई मदद भी नहीं मिलेगी, इसीलिए बिना रुके लगातार आगे चलते रहो। इसके बाद झुंड एक बार फिर से सफर के लिए रवाना हो जाता है। वो सभी कई दिनों तक बिना रुके लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। इस दौरान भूख और प्यास से कई छोटे डायनासोर मारे जाते हैं, जिसे झुंड का पीछा कर रहे वेलोसिराप्टर्स डायनासोर मारकर खा जाते हैं। सफर के दौरान जब ईमा थक जाती है और आगे बढ़ने से मना कर देती है तो एलाडार ईमा को आगे बढ़ते रहने के लिए हौसला देता है और आगे बढ़ने में ईमा की मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ जब वेलोसिराप्टर सफर के दौरान मरे डायनासोर को खा रहे थे कि तभी वहां पर दो जायंट कार्नाटोस डायनासोर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वेलोसिराप्टर्स वहां से भाग जाते हैं और दोनों कार्नाटोस झुंड की तरफ निकल पड़ते हैं क्योंकि वो दोनों झुंड का पीछा कर रहे थे ताकि शाकाहारी डायनासोर का शिकार कर सके। अब क्रोन और ब्रूटोन जब तालाब के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि तालाब पूरी तरह से सूख गया है, जिससे वो काफी परेशान होते हैं और झुंड को बिना रुके अपने जन्म स्थल की तरफ बढ़ते रहने को कहता है। लेकिन अब ईमा और बहुत से डायनासोर बिना
बिना पानी के आगे नहीं बढ़ सकते थे क्योंकि वो कई दिनों से भूख प्यास से तड़प रहे थे, इसीलिए उन्हें थोड़े आराम की जरूरत थी। नीरा क्रोन से कहती है कि अगर हम इसी तरह बिना पानी के आगे बढ़ते रहे तो आधा जून मर जाएगा, जिस पर क्रोन कहता है कि मरने दो, हम आधे लोगों को तो बचा लेंगे। क्रोन ऐसा इसीलिए कह रहा था क्योंकि उसे अपने जून की कोई परवाह नहीं होती, वो तो किसी तरह जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना चाहता है जहां पर डायनासोर माइग्रेट करके जाते हैं। अबीमा बेलेने के साथ सूखे तालाब में आ जाती है और एलाडार से कहती है कि हम लोग जब भी माइग्रेट करते थे तो इसी तालाब में पानी पिया करते थे, उस समय तालाब भरा रहता था। अब इसी दौरान जब बेलेने अपना पैर नीचे रखती है तो एलाडार और जीनी को जमीन के नीचे पानी की आवाज सुनाई देती है और जब वो जमीन खोदते हैं तो उसके नीचे से सच में पानी निकलने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं और इमा के साथ ही सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। इसके बाद एलाडार झुंड को भी पानी पीने के लिए बुलाता है, लेकिन क्रोन सभी को हटाकर सबसे पहले खुद पानी पीता है और बाद में बाकी के डायनासोर पानी पीते हैं। वहीं ब्रूटोन अपने एक दोस्त के साथ पानी की तलाश में आगे निकल गया था, लेकिन कार्नोटोरस ने उन्हें देख लिया था, इसीलिए उन दोनों पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ सूरी गुफा में छुपे दो बेबी डायनासोर को पानी पीने के लिए बोल रही होती है और जब एलाडार सूरी की बात सुनता है तो दोनों बेबी डायनासोर को अपने साथ सूखे तालाब में ले आता है, जहां पर उन्हें जमीन के अंदर से पानी निकाल कर पीने को देता है। नीरा जब एलाडार को ऐसा करते हुए देखती है तो बहुत खुश होती है। नीरा एलाडार के पास जाती है और एलाडार नीरा को भी जमीन के अंदर से पानी निकालना सिखाता है और वो दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रूटोन घायल हालत में क्रोन के पास आता है और उसे बताता है कि कार्नोटोरस ने मुझ पर हमला किया और वो हमें मारने के लिए हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखकर क्रोन काफी गुस्सा होता है कि तुम्हारी वजह से कार्नोटोरस हम तक पहुंच गए, और उसे जल्दी से झुंड को रवाना करने को कहता है। अब नीरा जब क्रोन से ऐसे अचानक से झुंड को रवाना करने का कारण पूछती है तो क्रोन बताता है कि हमारा पीछा कार्नोटोरस डायनासोर कर रहे हैं और वो किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। क्रोन की बात सुनकर एलाडार कहता है कि झुंड के सभी लोग तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते और वो पीछे छूटने की वजह से कार्नोटोरस डायनासोर का शिकार बन जाएंगे, इसीलिए हमें साथ रहना चाहिए क्योंकि हम मिलकर उनका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन क्रोन एलाडार की बात नहीं सुनता और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जब एलाडार झुंड को रोकने की कोशिश करता है तो क्रोन गुस्से में आ जाता है और एलाडार पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और खुद नीरा और झुंड के साथ आगे बढ़ जाता है। अब एलाडार इमा और बेलेने के साथ झुंड से पीछे छूट जाता है क्योंकि इमा और बेलेने बूढ़ी होने की वजह से तेजी से आगे नहीं बढ़ सकती थी। अब एलाडार जब इमा बेलेने और अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ रहा होता है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जिससे सभी डर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो कार्नोटोरस डायनासोर है। लेकिन जब एलाडार पास जाकर देखता है तो वहाँ पर ब्रूटोन होता है, जो घायल होने की वजह से पीछे छूट गया था। ब्रूटोन को देखकर एलाडार उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूटोन एलाडार को खुद से दूर रहने के लिए बोलता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं, मुझे थोड़ी देर आराम चाहिए। ब्रूटोन की बात सुनकर एलाडार अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है और अब बारिश होना भी शुरू हो जाती है, इसीलिए एलाडार अपने दोस्तों के साथ पास की गुफा में आ जाता है। कुछ समय बाद वहाँ पर ब्रूटोन भी आ जाता है, लेकिन अंदर नहीं आता। ये देखकर एलाडार गुफा के अंदर आने में ब्रूटोन की मदद करता है। ब्रूटोन को घायल देखकर पिलियो ब्रूटोन को कुछ जंगली जड़ी बूटियाँ देती है और कहती है कि इसे खाने से तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ब्रूटोन पिलियो को कहता है कि एलाडार क्यों सभी को झूठी उम्मीदें दे रहा है कि हम हमारी जन्म स्थली पहुँच जाएंगे। जवाब में पिलियो कहती है कि उम्मीद की वजह से ही हम इतनी दूरी पर आए हैं। ये कहकर वो वहाँ से नीचे अपने दोस्तों के पास चली जाती है। ब्रूटोन पिलियो की जड़ी बूटी को ले लेता है। रात को जब वो सभी सो रहे होते हैं तो एलाडार को कुछ आवाजें सुनाई देती है क्योंकि कार्नोटोरस वहाँ पहुँच चुके थे। ब्रूटोन एलाडार से कहता है कि हम सभी को शांत रहना होगा क्योंकि पानी की वजह से वो हमें सूंघ नहीं सकते, और वो चुपके से गुफा में अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी एक पत्थर के गिरने की वजह से कार्नोटोरस को एलाडोर और उसके साथियों के होने का पता चल जाता है, इसीलिए उन पर हमला करने लगते हैं। वो एलाडार को खींचकर उसे खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रूटोन एलाडार को बचा लेता है और एलाडार को बाकी लोगों के साथ गुफा के अंदर जाने के लिए बोलकर खुद दोनों कार्नोटोरस को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। अब ब्रूटोन जब देखता है कि अकेले दोनों डायनासोर का सामना नहीं कर पाएगा तो गुफा की दीवार पर हमला कर देता है, जिससे बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगते हैं, जिसमें ब्रूटोन और वो दोनों कार्नोटोरस भी दब जाते हैं। एलाडार ब्रूटोन को बचाने के लिए पत्थर हटाता है, मगर वो मर चुका था, जिस
एडिसियों सभी दुखियों होते हैं। तभी उन पत्थरों में से एक आर्नोटोलस बाहर निकलता है क्योंकि अभी भी जिंदा था। घायल होने की वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। अब एलाडोर अपनी फैमिली और बाकी के दोस्तों के साथ गुफा के रास्ते आगे बढ़ने लगता है। थोड़ा दूर आगे बढ़ने पर ये देखते हैं कि गुफा आगे से बंद है, जिससे सभी बहुत दुखी होते हैं। मगर तभी जीनी बंद रास्ते से एक पत्थर बाहर निकालता है, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आने लगती है, जिसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि दीवार में उस पर खुला आसमान होता है। इसीलिए सभी एक साथ मिलकर दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं और कुछ ही समय में दीवार को गिरा देते हैं और सामने का नजारा देखकर पूरी तरह से हैरान होते हैं क्योंकि वहाँ पर एक नदी और हरा भरा जंगल था और ये वही डायनासोर की जन्म स्थली थी जहाँ पर सभी डायनासोर माइग्रेट के लिए आ रहे थे। इसके बाद बेलेने नदी में कूद जाती है और नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है। अब इमा जब एक माउंटेन को देखती है तो पूरी तरह से हैरान होती है क्योंकि जिस जगह पर पहले आने का रास्ता था वहाँ पर अब एक माउंटेन होता है। इमा की बात सुनकर एलाडार पूरी तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि रास्ता बंद होने की वजह से झुंड के डायनासोर इस पार नहीं आ पाएंगे और कार्नोटोरस का शिकार बन जाएंगे। इसीलिए एलाडार गुफा के रास्ते उस पार जाकर झुंड को गुफा के रास्ते के बारे में बताना चाहता है। इसीलिए अपनी जान की परवाह किए बिना झुंड को गुफा के रास्ते के बारे में बताने के लिए निकल पड़ता है। अब एलाडार जब गुफा के दरवाजे पर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर कार्नोटोरस डायनासोर घूम रहा था, जिसे देखकर एलाडार चट्टानों के पीछे छुप जाता है। अगले सीन में हम क्रोन को देखते हैं जो नीरा और झुंड के साथ पहाड़ी के पास पहुंच जाता है और जब वो देखता है कि उस पार जाने का रास्ता बंद है तो सभी को पहाड़ी के ऊपर चढ़कर उस पार जाने के लिए कहता है, जिस पर नीरा क्रोन से कहती है कि सभी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि झुंड में बहुत से बूढ़े और बच्चे डायनासोर भी मौजूद है। लेकिन क्रोन नीरा की बात नहीं सुनता और झुंड को ऊपर चढ़ने के लिए बोलता है। मगर तभी वहाँ पर एलाडार आ जाता है जो सभी को बताता है कि हमारे पीछे मांसाहारी डायनासोर है जो किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं, इसीलिए सभी मेरे साथ चलो, मैं एक दूसरा रास्ता जानता हूँ जहाँ से हम जन्म स्थली पहुँच सकते हैं। सभी एलाडार के साथ वहाँ से जाने लगते हैं मगर इस बात से क्रोन गुस्सा हो जाता है क्योंकि एलाडार की वजह से झुंड उसकी बात नहीं सुन रहा था। एलाडार और क्रोन के बीच में फाइट होने लगती है मगर क्रोन धोखे से एलाडार को जख्मी कर देता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। मगर नीरा उसे बचा लेती है क्योंकि क्रोन अपने अहंकार की वजह से गलत कर रहा था, इसीलिए एलाडार और झुंड के साथ वहाँ से जाने लगती है। लेकिन अब यहाँ पर कार्नोटोरस डायनासोर भी आ जाता है, जिसे देखकर सभी बुरी तरह से डर जाते हैं और क्रोन अकेले ही पहाड़ी पर चढ़कर उस पार जाने की कोशिश करने लगता है। एलाडार झुंड से कहता है कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है और सभी साथ में रहे क्योंकि हम साथ में इसे हरा सकते हैं। अब कार्नोटोरस जब झुंड का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है तो एलाडार भी झुंड के साथ कार्नोटोरस की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे कार्नोटोरस डरकर पीछे हटने लगता है क्योंकि वो बहुत सारे थे। और जब वो क्रोन को अकेले ही पहाड़ी की चढ़ाई करते हुए देखता है तो वो क्रोन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और जल्दी क्रोन पर हमला करके उसे घायल कर देता है। लेकिन अब यहाँ पर नीरा और एलाडार क्रोन को बचाने के लिए आ जाते हैं और कार्नोटोरस से लड़ने लगते हैं। फाइट के दौरान एलाडार किसी तरह बहुत मुश्किल से कार्नोटोरस को चट्टान से नीचे गिरा देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन अब क्रोन घायल होने की वजह से मारा गया था, नीरा इससे दुखी होती है। अब एलाडार और नीरा झुंड के साथ गुफा के रास्ते उस जन्म स्थली पर पहुंच जाते हैं। सभी डायनासोर बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उनकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई थी। इसके बाद हम कुछ महीनों के बाद का समय देखते हैं जहाँ पर एलाडार और नीरा का बच्चा अंडे से बाहर निकलता है, जिसे देखकर एलाडार और उसके फैमिली मेंबर बहुत खुश थे। और वहीं जीनी को भी अब उसकी जीवन साथी मिल जाती है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का 10K लाइक एम जरूर पूरा कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।